रिसेंटली मैं अपनी डॉटर को स्कूल से पिकअप करने गया था और मैंने कोने में देखा कि कुछ लड़के वेपिंग कर रहे थे। मुझे शुरू में लगा कि ये सिगरेट पी रहे हैं, पर जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि वो ई सिगरेट या वेप इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं कम्प्लीटली शॉक हो गया कि इतने यंग लड़के कैसे वेपिंग वाली हालत में इन्वॉल्व है। तो मैंने जब कुछ पेरेंट्स से बात करी तो उनको मैं इतना सरप्राइज था, वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी कैजुअल थे। वो कहते कि सिगरेट खड़ा होता है इससे क्या रिस्क है, सिगरेट में तो कैंसर कॉज करता है, वेपिंग से तो कैंसर नहीं होता। तो आज मैं बताऊंगा आपको वेपिंग के बारे में और क्या वेपिंग करना चाहिए, इज इट अ गुड हैबिट। तो आइए वीडियो में वेपिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD DM इंस्टीट्यूट दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, वेपिंग या ई सिगरेट शायद सब लोग नहीं जानते हो ये क्या होता है, पर बेसिकली ये एक स्पेशल तरह का टेक्नोलॉजी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक तरह की सिगरेट बनाई जाती है। तो जैसे सिगरेट में जब टोबैको के पत्ते बर्न होते हैं तो वेरियस केमिकल निकलते हैं जो आदमी अपने लंग में खींचता है, और कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि वो जो टोबैको के पत्तों का वेरियस कार्सिनोजन है वो लंग में जाके कैंसर कॉज करने का वेरियस रिस्क कॉज करते हैं और साथ में निकोटिन डिलीवर करते हैं। तो लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि जो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो सिगरेट पीने पे अच्छा फील कराता है, निकोटीन है, क्यों ना उसी को प्योरीफाई करके सिर्फ उसी की एक सिगरेट बना देते हैं कि जब आदमी खींचे तो उसकी लंग में सिर्फ निकोटीन जाए और टोबैको के हार्मफुल सब्सटेंस ना जाए, और इस टेक्नोलॉजी को ई सिगरेट या वेपिंग बोलते हैं। तो एक छोटी सी मशीन होती है जो बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और उसको जब खींचते हैं तो वेपर आता है, बॉडी का वाटर वेपर आता है, इसमें निकोटीन मिक्स होता है और जब उसको एक्सहेल करते हैं तो वही वेपर बाहर निकलता है। तो वेपिंग या ई सिगरेट एक हार्म रिडक्शन मेथड है और कॉन्सेप्ट जो कंपनियों ने आगे पुश करी वो ये पुश करी कि चूंकि इसमें आप कोई चीज को जला नहीं रहे तो इसमें तार जो टबैको का काले रंग का हार्मफुल सब्सटेंस तार है उसका इफेक्ट बॉडी पे कम रहेगा और ये सिगरेट से सेफर है। परंतु व्हाट हैज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ अग्रेसिव मार्केटिंग, चाहे ग्रे चैनल से हो या व्हाइट चैनल से हो, लोगों में संभव ये परसेप्शन आ गया है कि वेपिंग या ई सिगरेट का कोई हार्म ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ हार्म रिडक्शन कॉन्सेप्ट ये हो गया कि नो हार्म टेक्नोलॉजी है। और मैं इतना सरप्राइज था कि पेरेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि मेरा बच्चा वेप करे तो उसको कोई नुकसान नहीं है, और शायद कूल बनने की जल्दबाजी में हम भूल गए हैं कि हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना एक पेरेंट का धर्म है। तो वेपिंग दोस्तों ओरिजिनली एक सिगरेट क्विटिंग एजेंट के रूप में मार्केट में आई थी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो जब निकोटीन गम वगैरह से सिगरेट नहीं क्विट कर पाते तो एक यदि हाथ में कोई मशीन है जो सिगरेट की तरह बिहेव करे तो शायद उनके लिए इजियर हो कि एक तार वाले सिगरेट को छोड़ के नॉन तार वाली वेप से वो क्विटिंग को ज़्यादा अच्छा तरह कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसने सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है जो कि हम डिस्कस करेंगे। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेपिंग की सारी टेक्नोलॉजी को इंडिया में कम्प्लीटली बैन किया था, ये इंडिया में बैंड है और कोई भी इंडिया में वेप कर रहा है तो वो इलीगली ई सिगरेट या वेप को यूज करके वेप कर रहा है, और समहाउ ये यूथ में मोर एंड मोर पॉपुलर होने वाली टेक्नोलॉजी बन गई है। पर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि गवर्नमेंट का वेपिंग को बैन करने का डिसीजन एब्सोल्युटली करेक्ट है, और आपको वेपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स बताऊंगा विच इज वाई वेपिंग इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। तो नंबर वन ये है कि वेपिंग सेफ नहीं है। तो वेपिंग में जो वेपर होता है वो वाटर नहीं है, हालांकि दिखने में वाटर जैसा दिखता है बट एक्चुअली वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल होता है, और ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है जिसने प्रूव किया है कि इसमें वेरियस पॉइजनस केमिकल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है जो लंग में जाके लंग डैमेज भी करते हैं, लंग में निमोनिया भी कॉज कर सकते हैं, लंग में कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डर्टी केमिकल है जो पेशेंट अपनी लंग में खींच रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है सिगरेट से कम टॉक्सिक हो बट दैट डजंट मीन कि इट इज नॉन टॉक्सिक, और इससे भी कैंसर और लंग डैमेज का रिस्क मेंटेन्ड है। नंबर टू, वेपिंग में निकोटीन होता है जो कि एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। तो सिगरेट के बारे में जैसे बोलते हैं कि 2-3 सिगरेट के बाद पेशेंट एडिक्ट हो सकता है, सेम इज ट्रू फॉर वेपिंग। वेपिंग एक एडिक्टिव चीज है, और इन जनरल लाइफ में कोई भी चीज जो तुम्हें एडिक्ट करे वो एक अच्छी चीज नहीं है। तो हमारा यूथ अगर इस वेपिंग टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड हो रहा है तो इट इज नॉट गुड फॉर देयर लॉन्ग टर्म। ये एक ऐसी आदत है उनको जिंदगी भर कैरी करनी पड़ेगी, ना केवल उनकी हेल्थ को डैमेज करेगा बट उनकी सोशल हेल्थ, फैमिली हेल्थ और मनी यानी इकोनॉमिक हेल्थ को भी डैमेज करेगा। तो इन जनरल एडिक्टिव चीजें अवॉइड करना ही बेटर रहता है। नंबर तीन, वेपिंग में निकोटीन है, चाहे तार ना हो पर निकोटीन है, और निकोटीन एक इंपॉर्टेंट टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो नॉर्मली हम जो सिगरेट भी सोचते हैं हमारे फर्स्ट चीज जो माइंड में आती है वो आती है कि सिगरेट से कैंसर होता है, पर सिगरेट में जो निकोटीन है उससे बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम भी होती है जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, दिल का दौरा आना, दिमाग का दौरा यानी स्ट्रोक आना, प्रेगनेंसी लॉस या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होना, गैंग्रीन जैसे उंगली और पैरों का गैंग्रीन या नेक्रोसिस होना,
इम्पोर्टेंस, स्किन प्रॉब्लम एक्सेट्रा, और ये सारी चीजें एक्चुअली निकोटीन से रिलेटेड है, नॉट ड्यू टू टार। तो ये सारी प्रॉब्लम निकोटीन में तब भी है, आप सिर्फ वेप के रूप में निकोटीन ले रहे हो तब भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, और दे आर सीरियस प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट यंग एज में एक मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक जो हमने देखा है अपने लाइफ में वो ये है कि कॉमनली जो आजकल यंग एज के हार्ट अटैक हो रहे हैं वो स्मोकर्स में ज्यादा हो रहे हैं। तो जो आदमी वेप करता है उसका हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कम नहीं होगा, ना गैंगिन का रिस्क कम होगा, ना आर्टरियल डिजीज का रिस्क कम होगा, वो रिस्क मेंटेन रहेगा क्योंकि निकोटीन वो तब भी ले रहा है। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेपिंग को एक कूल टेक्नोलॉजी के रूप में मार्केट करके एक्चुअली हमारे यूथ को टारगेट किया जा रहा है, और एक हार्मफुल टेक्नोलॉजी जो यूथ बचपन में एडिक्ट हो जाए और शायद बाकी पूरी जिंदगी फॉलो करे, हमारे यूथ के लिए और हमारे नेशन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए गुड नहीं है। तो यूथ टारगेटिंग जो वेपिंग का है कूल टेक्नोलॉजी, वही हो रहा है जो सिगरेट के साथ पहले मार्केटिंग में होता था कि सिगरेट एक कूल चीज है और मूवीज में टीवी पे दिखा के यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने की जाती थी। अब सबको लगता है सिगरेट कूल नहीं है तो नई चीज ले आएगी, वेपिंग कूल चीज है, अब सिगरेट मत पियो, वेपिंग करो, एडिक्ट हो जाओ, हमें पैसे दो। तो फॉर दिस रीजंस वेपिंग इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री और आवर यूथ। इसलिए मेरा कंक्लूजन है कि गवर्नमेंट का एक्चुअली बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि वेपिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, और मेरी एक्चुअली होप है कि एक दिन शायद सिगरेट और गुटखा को भी कम्प्लीटली गवर्नमेंट बैन करे। पर जब तक ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव या टैक्स मीन से इन चीजों पर जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे हिसाब से दे आर गुड मूव्स। तो जो टोबैको पीपल, जो लोग सिगरेट पीते हैं या गुटखा लेते हैं और क्विट करना चाहते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि चूंकि वेपिंग इलीगल और इजीली अवेलेबल नहीं है, उन्हें निकोटीन गम, निकोटीन पैचेस, निकोटीन स्प्रे या फार्माकोलॉजिकल एजेंट के साथ किसी अच्छे डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट से मिलकर अपना क्विट अटेम्प्ट करना चाहिए। हालांकि वेपिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके प्रोज भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वेपिंग का कोई एडवांटेज नहीं है, पर जो कॉन्स है वो प्रोज से कई गुना ज्यादा है, इसलिए आई थिंक इट इज गुड कि ये टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में बैंड है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या यूजफुल लगा हो। यदि वेपिंग से रिलेटेड या इसके हार्म से रिलेटेड आपको कोई भी और क्वेश्चन है तो स्क्रीन में डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको गाइडेंस मिले, आपके सवाल का आंसर मिले। और कैंसर से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।